بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عزيزان محترم میں بانی مجلس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کے ذریعے یہاں کے رہنے والوں سے مجھے قریب تر کر دیا اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میں ایک تعمیر ہونے والی امام بارگاہ میں کہ جس کے لیے یقیناً آپ سب کوشاں ہوں گے آپ کو خطاب کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں ایصال ثواب کی مجلس کا عنوان ہے اور وہ عنوان سورہ حج کی ایک آیت ہے میں نے خطبے کو روک کے یہ دو چار تمہیدی جملے اس لیے عرض کر دیے کہ ذرا سی آیت طولانی ہے خطبہ بھی ذرا سا طویل ہو چکا تھا یہ سوچ کر کہ مسلسل یہ خطبہ اور آیت آپ پر گرا نہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے میں خطبے اور آیت کے درمیان وقفہ چاہتا تھا اور اس وقفے سے ایک فائدہ یہ اٹھانا چاہتا تھا کہ آیت شروع کرنے سے پہلے ایک امر کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم عامل ہیں یومنون بالغیب پر میرے لفظوں پر غور کیجئے یعنی
ईमान लाने के लिए कहा गया है तो सिर्फ ईमान ही नहीं है, उस ईमान का अप्लीकेशन भी है, यानी हम आमिल हैं। यूमिनूना बिलगैब, तो हम ये जानकर कि हमारा इत्तेफाल हम वक्ती गैब से है, हम हर वक्त गैब से मुत्तसिल हैं और बगैर उसके चारा ही नहीं है कि गैब के सहारे पर सारी जिंदगी है हमारी, वो सहारा टूटे तो ये जिंदगी मुज़तरिब हो जाए, बेकरार हो जाए, उसका इस्तक़लाल खत्म हो जाए। ये गैब बहरहाल हमारी जिंदगी पर मुहित है। आंखों में नूर कैसे आया, गैब है। कानों में आवाज कैसे गई, गैब है। नाक में कैसे सूंघा, गैब है। जबान में चखा कैसे, गैब है। लम्स कैसे हुआ, सूखे कैसे पता चला कि ये नरम है या सख्त है, गर्म है या सर्द है, ये गैब है। और फिर उसके बाद इन हवास ने जब अपने मालूमात को दिल पर अर्ज किया तो वहां तो गैब ही गैब। हम वक्ती तौर पर अपनी जिंदगी में हर आन इस कदर गैब से मुत्तसिल है कि न आंखों का मुआलिज खुसूसी ये बतला सकता है कि नूर कैसे आया, न कान का मुआलिज खुसूसी ये बतला सकता है कि आवाज कैसे आई। उसका इल्म उसी हद तक महदूद है कि आवाज आती है, नूर आता है, नाक सूंघ सकती है, जबान चख सकती है, ये इल्म है। कहां से आया इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के गिर्द पेश को देखें तो पता चले कि हम जिस जिस से अपने आप को करीब तर करते हैं कायनात कुल्ली में, इस निजाम अकबर में, वहां हवा कैसे चलती है, तनफ्फुस में क्या मदद मिलती है, मौसम कैसे बदलता है, ये कुर्रे कैसे हरकत करते हैं, ये किसका हुक्म सबको एक मरकज के गिर्द चक्कर दे रहा है, गर्दिश दे रहा है, ये दिन रात की तब्दीलियां कैसी हैं, ये कुछ नहीं खुलता फकत यही कि ये हो रहा है। दिन निकला रात हुई, कैसे हो गया ये, कैसे रात आई, कैसे दिन निकला, जब दिन निकला रात का अंधेरा कहाँ गया, जब रात का अंधेरा आया दिन का नूर कहाँ गया, ये किसी को नहीं मालूम। ये सब गैब के मकामात हैं, यानी अपनी जिंदगी भी गैब है, अपना माहौल भी गैब है, अब इसके बाद अपना माजी भी गैब, माजी भी गैब है। जितने जमाने गुजर चुके अब ख्वाब है, अगर हम पर गुजर गए तो ख्वाब है, और अगर दूसरों पर गुजर गए तो फसाना है।
तारीख का जुजो बन जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तारीख को अगर मानते हैं तो फदेहा, वरना ये भी अकल नहीं इजाजत देती कि हर वाकया सही होगा। बहरहाल माजी गैब है, जहां सब कुछ गैब है वहां कल क्या होगा, कल क्या होगा, इतने भरे मजने में कोई बतला सकता है यकीनी तौर पर कल क्या होगा? नहीं बतला सकता, नहीं बतला सकता, और बतलाने की जरूरत भी न कीजिए। कहीं खुदा न खास्ता कुदरत इंतकाम न ले, गुजरता है बस उसी का इल्म है। अली हैदर तबातबाई मरहूम, जिन्होंने मीरानी को पढ़ के सुना है मरती, और जिनके तलम्मुस का और जिनकी शागिर्दी का मुझे शरफ हासिल है, वो अपने गजल के शेर में यूं फरमाते थे, ले चल मुझे भी है शब इशरत तू अपने साथ, ले चल मुझे भी है शब इशरत तू अपने साथ, डरता हूं मैं किसास न ले आसमां कहीं, डरता हूं मैं किसास न ले आसमां कहीं, तो कल की बातें क्या होने वाली हैं, कल क्या उस्ताद पढ़ने वाली है, कल क्या होगा, इस पर गुफ्तगू न हो तो अच्छा है, गुफ्तगू न हो तो। मगर इस हमगीर गायब में, इस हमगीर गायब हमको एक हुक्म यह भी मिला कि इस निजाम कुल को तुम जान नहीं सकते, इस निजाम कुल को तुम जान नहीं सकते कि कहां जाके टकराओगे तो नतीजा क्या होगा, किस चीज को खा लोगे तो अंजाम क्या होगा, क्या चीज तुम्हारे पीने के लिए मुनासिब है क्या नामुनासिब है। निजाम कुल में कायनात पूरी पड़ी है, कहीं हर एक को अपने लिए मुफीद न समझना। इसलिए कायनात के उस गैब अजीम को जात वाजिब अपने मखसूस बंदों के हवाले करती है, और ये कैसे हवाले करती है कि मा कान अल्लाह लियज़र المؤمنین علی ما انتم علیہ, अल्लाह साहिबान ईमान को इस हाल से नहीं छोड़ेगा, हत्ता यमीज़ الخبیث من الطیب, जब तक के ये वाज़ह न हो जाए कि खबीस क्या है और तय्यब क्या है। मालूम न हो जाए कि पाक क्या है नापाक क्या है, नेक क्या है बद क्या है, खैर क्या है शर क्या है, अच्छाई क्या है बुराई क्या है। मगर मा कान अल्लाह लियज़र المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, और न यह होता है
कि हम तुम्हारे कान में आके गैब की बातें बताते जाएं कि ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ये मुस्तहिब है, ये मकरूह है, ये मुबाह है, ये मुनासिब नहीं है, नहीं ये तुमसे नहीं कहते, लेकिन अल्लाह या सभी मिन रुसुलही मन यशा, हम अपने रसूलों में से किसी को मुजतबा करके उसको इल्म गैब दे। हम गैब का इल्म हर एक को नहीं देते, वो टकराए आलम कुल से लड़ जाए, आलम तकवीन से उसका तसादुम हो जाए, हमको इसकी फिक्र नहीं है, लेकिन हम रसूलों में से किसी को मुजतबा कर ले और उसको गैब का इल्म अता करते हैं, गैब उसके हवाले करते हैं। सूरह जिन की आखिरी आयत आलिमुल गैब فَلَوْ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، غیب کا عالم اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا جب تک کہ رسولوں میں سے کسی کو مرتضا نہ کر لے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آئے اور آ کے ہم کو بتلائے کہ یہ غیب ہے اور اس غیب سے تمہارا یہ رب یہ استفا، تو اسی آنے والے نے یہ بتلایا کہ جس کو علم غیب دیا گیا اسی آنے والے نے یہ بتلایا کہ تمہاری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، تم کو غیب پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسی ایمان بالغیب یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ تمہارا خالق جو غیب الغیب ہے وہ عین حضور بھی ہے، عین حضور بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے، تم سے قریب بھی ہے، مگر صرف اتنا ہی ہے کہ جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ امیر المومنین شعبان کی ایک دعا میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اللہم امیر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، پروردگار ہمارے دل کی آنکھوں کو نورانی کر تاکہ یہ دل کی آنکھیں تجھے دیکھ سکیں۔ تو اس منزل پر وہ علام الغیوب یہ چاہتا کہ صاحبان ایمان غیب پر ایمان رکھیں اور یومنون بالغیب سے اللہ کے کلام کو شروع کریں اور اس طرح سے اپنے آپ کو ہم وقتی طور پر غیب سے متصل رکھیں۔ اسی مقام پر یہ بتلایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ زندگی اتنی ہی ہے جو بسر کر رہے ہو، نہیں، یہ زندگی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ قد لبثتم الی یوم البعث، سورہ روم، تم کو محشر تک جینے کے لیے آئے ہو۔ صاحبان علم کہیں گے کہ تم کو تو محشر تک رہنا ہے، اس لیے ایک اور بھی منزل ہے کہ جہاں ہم کو یہ بتلایا گیا کہ فقط یہی نہیں کہ خالق ہے
بلکہ یہ عقیدہ بھی لازم ہے کہ ایک دن اس کی بارگاہ میں پھر جانا بھی ہے. یعنی مبدا غائب ہے معاد بھی غائب. مبدا معاد دونوں غائب. مبدا سے لے کے معاد تک وہ بھی غائب ہی غائب ہے جہاں تک کہ علم معصوم اجازت دے کہ یہ اتنا تمہارے لیے غور و فکر کے لیے کافی ہے ورنہ سب پردے میں. تو اب گفتگو اس منزل پر پہنچی کہ ہر ایک کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے, اس غیب پر ایمان رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا. مرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا, مرنے کے بعد اس کو قبر سے باہر لایا جائے گا. تو یہ گفتگو ختم ہو ظاہر ہے کہ ذرا سی غیب کے سلسلے میں بحث طولانی ہو گئی. میں معذرت خواہ ہوں, مگر جس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ منزل یہ ہے کہ گزشتہ سیاسی تبدیلیوں کے بعد ایک آزادی کی سانس قوم نے لی اور اس آزادی کے لمحے کچھ اس طرح سے گزرنے لگے کہ ہر دوسرے دن ہر چوتھے دن ایک بکلیٹ یا ایک کتابچہ ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کو دیکھیں. اور عموماً یہ وہ کتابچے ہیں کہ جس میں ہمارے معتقدات سے بحث ہے, ہمارے معتقدات سے بحث ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, میں نے اپنی گزشتہ تقریروں میں عرض کیا کہ ابھی ربوا سے کچھ کتابیں آئی تھیں, اس کی اطلاع ہم نے حکومت کو دی, اور اب یہ قبریں یہ آستانے اس عنوان سے ایک کتاب سے آیا ہے, اور اس میں ساری کوشش یہی ہے کیا ان قبروں میں رکھا کیا ہے, ان قبروں میں رکھا کیا ہے جن پر جا کر سلام کر رہے ہو. اور مختلف حدیثوں کو جمع کیا ہے اور آخری منزل پر گفتگو یہاں تک پہنچا دی کہ خود پیغمبر نے منع کر دیا تھا کہ میری قبر پر بھی نہ آؤ. سلسلہ چونکہ ایصال ثواب کا ہے اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ اس واقعے کو بتلا کر آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جائے, اور ایک لفظ پر نہیں ایک حرف پر آپ کو متوجہ کیا جائے, قرآن کے ایک حرف پر, لفظ نہیں ایک حرف. اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ حج کی آیت, سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے. یا ایھا الناس, اے انسانو, اے نوع انسان, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم کو اپنے دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے, ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب, تو اس کا تو یقین ہے نا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. استدلال کلام الہی کا دیکھی کہ تم اپنے ماضی کو تو دیکھو, تم کیا تھے, انا خلقناکم من تراب, ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا,
सुम्मा मिन नुत्फते, फिर उसके बाद तुमको नुत्फे से बनाया, सुम्मा मिन अलकते, फिर तुमको बस्ता लहू बना दिया, जमा हुआ लहू, सुम्मा मिन मुज़गतिन मुकल्लकतिन व गैर मुकल्लकतिन लनुबय्यिन लकुम, फिर हमने तुमको गोश्त का लोथड़ा बना दिया, कभी उसकी खिलकत कामिल कर दी, कभी उसको नाकिस हो गया, ताकि तुम अपनी कुदरतों को आजमा लो कि तुम्हारा कितना दखल है। ताकि तुम पर वाजे हो जाए कि तुम्हारे इख्तियार में क्या है, जिसको वहां नाकिस बना दिया वो हमेशा के लिए नाकिस रहा, वहां तुम्हारा बड़े से बड़ा मुआलिज आजिज नजर आया। वो नुकरु फिल अरहाम मा नशा इला अजल मुसम्मा, और हम फिर अरहाम में जिसको चाहते हैं एक मुअय्यन मुद्दत तक रखते हैं। सुम्मा, अब ये मदारी देखे, सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर तुम शीर खारजी के आलम में आए, सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, और फिर उसके बाद सुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, और तुम में फिर शीर कारगी के बाद कुव्वत आई, कुव्वत आई, मुस्तवी हुए, और इस इस्तवा के बाद जवानी की मंजिल पर पहुंचे, वह मिन कुम मन यतवफ्फा व मिन कुम मन युरद्दु इला अर्ज़ल उमर लकै ला यअलमा बादा इल्मिन शैया, तुम में से कुछ जवानी ही में मर गए, उसके बाद तुम में से कुछ गरीबी की मंजिल पर आए तो ऐसी रही थी कि जो कुछ लिखा पड़ा था सब भूल गए, ले कई लाजा, अब कुछ भी नहीं मालूम है। और ये अजीब मंजिल है, देखिए, यानी जितनी डिग्रियां डॉक्टरी की ली थी, तीरी की एक मंजिल वो आई कि एक भी सलाह याद नहीं है, वो किसी भी नफ्स से हाथ नहीं रख सकता, जितने सनद इंजीनियरिंग के लिए थे, सीढ़ी की एक मंजिल आई के अफसर उठ नहीं सकता, वो इल्म गया कहाँ। मशहूर ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर ने इन तमाम मदारिस को इसी तरह से बयान किया कि इस गरीबी के आलम में होता क्या है, इत्तेफाक से यही कुछ अल्फाज उसने जमा किए, लकैला यालमा बादा इल्मिन शया, अब इल्म के बाद अब इल्म न रहा, वो तरल अर्दाहों में जाता। तुमने देखा जमीन को, जमीन को देखा कि किस तरह दबी पड़ी है, किस तरह बजाहिर वीरान है, गैर आबाद है, बेआबो क्या है, फअंज़लना अलैहल मा, हमने उसे पानी को नाजिल किया, फ़स्तज़ा, एक मरतबा जमीन में इहतदाद पैदा, शादाबी आई,
فاستزر وربر وأنبتر من كل زوج بهير ایک مطبع زمین چھولی اس میں سے ایک مطبع شادادی کے ساتھ سبزہ جہلانے لگا اور ہر طرف زمین زرخیز نظر آنے لگا تم نے زمین کو دیکھا مردہ زمینوں کو دیکھا زائے لیکا اب تو سمجھو بِعَلَّ اللَّهَ هُوَ الْحَا اب تو سمجھو کہ اللہ حق ہے اب اس کے بعد استدلال دیکھیے کہ زمین مردہ تھی پانی آیا زمین جی گئی وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اسی طرح وہ مردوں کو جلائے گا زمین جی گئی وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اسی طرح وہ مردوں کو جلائے گا میں اس حرف سے آ رہا ہوں اس حرف سے اَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وہ مردوں کو جلائے گا وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور یہ کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اب یہ کہ قیامت کا آنا لازم ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اب یہ آخری آیت یہ تقریباً سورہ حج کی ابتدائی آیتیں ہیں ہم آٹھویں آیت تک پہنچ چکے ہیں القبور اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے وہ ان اللہ اور یہ بھی کہ اللہ جب اصو اٹھائے گا من فی القبور یہ لفظ من کی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا جو ہر ذوی العقول کے لیے ہے کہ جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھائے گا ظاہر ہے کہ معتقدات سے باتیں جب ہوتی ہیں تو ہم اس کو ایک حد تک معقولات تک لانا چاہتے ہیں اور ایک حد تک اس کو قرآن سے ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں اور نہیں مانتا ہے کوئی تو راستہ الگ دیکھ کر ہم اپنی راہ پر چلنے لگتے ہیں اور دنیا کو اسی جمود کے عالم میں چھوڑ دیتے ہیں قدیر وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ اور تحقیق کہ قیامت آنے والی ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو قبروں میں ہے وہ لوگ جو قبروں میں ہیں ان کو خدا اٹھائے گا اب یہاں مومن منافق کافر فاسق موحد ملحد کی شرط نہیں ہے سب ہیں سب ہیں ایک روز موعود پر سب کو رکھا گیا ہے کہ رہو صرف یہ دائرہ
हिसाब की मंजिल है, तुमको आना है। अन्नल्लाह या बासो मन फिल कुबूर, जो कब्रों में है उनको उठाया जाएगा। वो फरमाते हैं कि है क्या कब्रों में, है क्या कब्रों में, तो कुरान के सूरह हज से पूछिए कि किसका उठा रहा है। कोई मुनाफिक मर गया, लोगों ने आके कहा अल्लाह के रसूल उसकी अकाइद थी कि आप नमाज पढ़ो। आए ताई सूरह तौबा ला तुसल अल्लाह अहद मिनहुम मा ताबदा वला तकुम अला कब्र ही। ये लोग कब्र को यहां देखिए, इनमें से जो मर जाए उन पे हरगिज हरगिज कभी किसी वक्त नमाज ना पढ़ो और उनकी कब्र पर जाकर खड़े न रहो। ला तकुम अला कब्र ही, क्यों? इसलिए ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से कुफर किया, वो उलाए का हुमुल फासिकून, और ये सिर्फ फुजूर करने वाले हैं। तो फासिक और मुनाफिक अगर तुम्हारे पास आए तो एतराज करो। ये सूरह तौबा की आयत है, और उसी कब्र पर खड़े न रहना, मतलब ये मुनाफिक की कब्र पर खड़े न रहना अगर मोमिन हो तो। ईमान अगर है तो आप नमाज भी पढ़वा सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, मगर ये मुनाफिक है, इसकी कब्र पर खड़े रहो। दो, तीसरी आयत सातवां सूरा कुरान का मुमतहना सूरह सबसे पहले याद आमन साहिबान ईमान, उस कौम को कभी दोस्त न रखना जिस कौम पर अल्लाह का गजब है। या ततवल्लौ कौमन गज़ब अल्लाहु अलैहिम क़द यायसू मिन अल आखिरा, ये लोग आखिरत से मायूस हो गए। कमा यायसल कुफ्फार मिन अस्हाबिल कुबूर, जैसा के काफिर साहिबान कब्र से मायूस हो। फिर सुन लीजिए, या जो हजरत आमनु ला ततवल्लौ कौमन गज़ब अल्लाह अलैहिम, ऐ साहिबान ईमान उस कौम को दोस्त रखो जिन पर अल्लाह का गजब है। क़द यायसू मिन अल आखिरा, ये लोग मायूस हो गए आखिरत से। कमा यायसल कुफ्फार मिन असाबिल कुबूर, जैसे काफिर साहिबान कब्र से नाउम्मीद है। आपने देखा कि कब्र में कोई है या नहीं है, इसमें शक पैदा करके ना उम्मीद हो जाना कि अब कुछ भी नहीं है, कुफ्र है। यह बहस मोमिन मुनाफिक की नहीं है, कब्रों के रहने वालों से ये मायूस हो गए।
वो कहता है मिट्टी के ढेर है, यहाँ रहा क्या? तुमको मालूम क्या मालूम क्या रहा? मुर्दा जमीनों में जान जब हम डालते हैं और एकाएक हरी भरी खेतियों से ये संजर और वीरान मैदान बदल जाते हैं तो उस वक्त तुमको ख्याल नहीं आता हम इन खबरों से किस तरह से उठाएंगे? तो आपने देखा कि आयात की मौजूदगी, नुसूस की मौजूदगी, हमारा ये इत्तेसाल गैब के साथ किसी के लिए हैरान कुन न हो, किसी के लिए हैरान कुन न हो। अब सिर्फ हमारी मंजिल एक ही रह जाती, वो ये कि खबरों में तो सब है, सब है, हमारे बाप दादा हैं, सबके बुजुर्ग हैं, सबके आइज्जा जो मर गए खबरों में हैं, मगर कुछ ऐसी भी हस्तियां खबरों में हैं कि जहां उन हस्तियों को कब्र में देखकर या कब्र में पाकर या उनकी कब्रों पर जाकर ये कहने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो मदीने मुनव्वर आ जाए और कब्र रसूल पर पहुंचे तो कुरान की आयत पढ़े, सूरह निसा, लव अन्नहुम इज ज़लमू अन्फुसहुम जाऊंगा वस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है अगर वो तेरे पास आए और हमसे तलब मग़फ़िरत करें तो ऐ रसूल हम तौबा कबूल करने वाले हैं उसी वक्त जबकि तू इनके लिए तलब मग़फ़िरत करें। अगर रसूल भी उनके लिए तलब मग़फ़िरत करे तो वो अल्लाह को तौबा का कबूल करने वाला और रहीम पाएंगे। तो हमको हुक्म ये है कि जब मदीने में कब्र रसूल को पहुंचे तो इस आयत की तिलावत करें। यानी मतलब ये है कि आज हम अल्लाह की बारगाह में तलब मग़फ़िरत के लिए आए हैं, अरे नबी हमारी सिफारिश कर दे, ऐ नबी हमारे लिए तलब मग़फ़िरत फरमा, ऐ नबी हमारे लिए सहारा बन जा। तो बहस जो शुरू हुई वो तो कहीं और से है, ये तो एक ऐसा साइड ट्रैक है कि जहां जाके कहा खबरों में है क्या, बहस को यहीं से शुरू हुई कि जो कब्र में है उनको वसीला बनाया जाए कि नहीं। बहस को यहां से जरूरी उनको वसीला बनाया जाए कि नहीं। अब यहां से जाहिर है मोतकदार मोतकदार है और हमारे हद तक मोतकदार हमारे माकूलात हैं, हमारे मोतकदा हमारे माफूला और हमारे अहकाम, हमारी फिका की अहम तरीन किताबों में जब मसाइल फिकी को खत्म कर लेते हैं तो एक और किताब है, जैसे किताब सहारा, किताब दियार, इसी तरह से आखिर में किताब है किताबुल मजार, यानी हमारी जियारत गाह है,
زیارت گاہوں کے متعلق احکام. تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس تو ایک مستقل باب ہے فقہ میں کہ قبروں پر جانے کے آداب کیا ہیں, وہاں پہنچ کر کیا کہنا ہے. ابھی اپنی دو دن پہلے کی تقریر میں حضرت عین زہرا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ جب ہمارے ائمہ یا شہداء کی قبروں میں سے کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیت, پروردگار میں تیرے نبی کے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے گھروں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوا ہوں. وقد قلنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. اور تو یہ کہہ چکا ہے کہ صاحبان ایمان نبی کے گھروں میں نہ جانا جب تک کہ اذن نہ ملے. دیکھیے ہم کو یہ حکم یوں ملا کہ نہ جانا جب تک اذن نہ ملے. ارے یہ تو قبر ہے گھر نہیں ہے. کہا نہیں یہ گھر ہے, یہ گھر ہے. تو فرق پہچانت کا یہی ہو گیا کہ دنیا گھر کو قبر سمجھ رہی ہے. تو آپ نے دیکھا جب اس طرح سے کوئی انسان ہر چیز کو الٹا سمجھنے لگے, یعنی گھر کو قبر سمجھے, تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہر منزل پر وہ فکر کی پیچیدگی ہوگی اور اس پیچیدگی سے وہ دو چار ہوگا کہ جہاں وہ فیصلہ ہی نہ کر سکے گا کہ حق کیا ہے اور حق کی ضد کیا ہے. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک وقد قلت لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اور تیرا یہ حکم ہے کہ گھروں میں نہ جاؤ جب تک اذن نہ ملے. جب تک علم نہ مل جائے, اور اس کے بعد بے اختیار آپ یہ کہتے ہیں وہ انی اعتقد بحضرتکم, اور میں تمہارے حضور پر تمہارے وجود پر تمہارے موجود ہونے پر اسی طرح سے اعتقاد رکھتا ہوں کما اعتقد بغیبتکم, جیسا تمہارے غائب ہونے پر معتقد ہوں. اب اس منزل پر پہنچ کر ہم پھر اور آگے بڑھتے ہیں, یعنی جب اس نے دخول کو مانگتے ہیں اجازت ہے آنے کی تو یہ دعا اور اس وقت یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے اپنے آپ کو اس آستانے پر پہنچایا ہے کہ جہاں حیات کی حیات, تو اس لیے
लिए हमारा ये अकीदा है कि इन्नहुम यरौना मकामी व यस्मऊना कलामी व यरुद्दूना सलामी। ये हमारे मकाम को देख रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हमारे सलाम का जवाब दे रहे हैं। अब कुछ देर आओ मैंने रहमत दी है कि मैं उसके लिए माफी का खाहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि ये मसाला दिलो दिमाग में अजीजों के महफूज हो जाए कि हमको यह हुक्म है कि इन बारगाहों पर जाकर जब खिताब करो तो खिताब को हो जैसे कोई किसी को देख कर गुफ्तगू कर रहा हो। और जाहिर क्योंकि दुनिया अपनी खबरों पे जाके इस तरह से खिताब नहीं कर सकी, फैसला किया गया कि खबरों में है क्या, खबरों में है क्या, इसलिए अगर ये साबित हो जाए कि खबरों में अब भी है जाए। इसलिए जब हमको हुक्म होता कि जियारत के लिए जाओ तो सलाम सलाम, और सलाम किस पर, सलाम किस पर, जब मिल्लत इस्लामिया एक आयत की दो हिस्सों में से फकत एक ही हिस्से पर अमल करेगी और दूसरे को छोड़ देगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। नबी की बारगाह में हज के बाद सबको आना है, हमारे पास ऐसा में शरीह मौजूद है कि अगर कोई हज करने वाला हज के बाद अगर सरकार रहमतुल आलमीन की कब्र पर हाजिरी न दे, मासूम फरमाते वो शकी है, वो शकी है। और यार हमको हदीसें सुनाई जाती है कि पैगंबर ने खुद ये कहा कि मेरी कब्र पर जमाना होना, हमको हदीसें सुनाई जाती है कि मेरी कब्र पर जमाना होना। तो भाई एक बात खात्मे पर जहमत क्या, कोई किसी की कब्र पर जाए तो रहमत क्या है, या खुदा है उसकी परस्तिश कर रहा है, उसका भुज बनाया हुआ है। अरे एक मरतबा जब जबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह,
तो फिर दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि यह बुत परस्त नहीं है। कब्र पर अगर खड़े हो रहा है तो साहिब ईमान की कब्र पर खड़ा होगा, और अगर सलाम कर रहा है तो यकीनन कब्र में वो होगा कि जिसके लिए दुरूद और सलाम है। नबी की बेटी मुसलसल जाती रही कब्र पर, अली गए कब्र रसूल पर, हसन हुसैन गए नाना की कब्र पर, हमारे सारे अइम्मा बराबर पाबंदी से जाते रहे, और जब कोई मदीने से बाहर जाता तो पहले नबी की कब्र की ज़ियारत करता। चुनांचे जब 28 रजब को सन 60 हिजरी हुसैन मदीना छोड़ने लगे तो पहले नाना की कब्र को, पहले नाना की कब्र को दुआ की बारगाह रब्बुल इज्जत में और नाना को सलाम। हुसैन का दिल जान रहा था कि नाना जी रहे हैं, नाना को सलाम किया और कहा नाना आवारा वतन हो रहा हूं, वतन छोड़ रहा हूं, अगर से मौसम सख्त है नाना मगर मजबूर, जिसका बचपन में वादा किया था वो वक्त आ गया, रुख्सत लेके चले तो जाहिर है कि हुसैन को फिर मदीना वापस आना न हो, तो हुसैन को ना आ सके जाना के सलाम, मगर ज़ैनब आ गई। फातिमा की बेटी सलाम के लिए आई और नाना को अजीब शान से सलाम, अजीब शान से सलाम किया, रौजे के सामने नाके जब खड़ा कर दिए गए सब लाकर, तो अभी नाका बिठाया भी नहीं गया था जब पर्दा महफिल को उलट के अली की बेटी की पहुंच, अली की बेटी की दौड़ते हुए रौजे तक गई, दोनों हाथों से रौजे के दरवाजे को थामा, कहा नाना ज़ैनब आई है, नाना ज़ैनब आई है सलाम के लिए। रसूल बेहतर जानता है कि ज़ैनब कहां कहां होकर आई, सलाम किया और फिर इतना कहा नाना हर सफर से आने वाला तोहफा लाता, मैं भी आपके लिए तोहफा लाई हूं नाना, मगर आपको दूंगी नहीं, ये कहकर हुसैन का लहू भरा पैराहन जरी सजा,
फिर उसको वापस ले लिया, फिर उसको वापस ले लिया ये बतलाने के लिए कि ये किसी और ने मांगा है। ये तकरीर के आखिरी अज्जा है, जब शाम हुई तो सैयद सज्जाद से इजाजत लेके जन्नतुल बकी में मां के सलाम के लिए गए। वहां भी नाके से गिर पड़े, आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गई। जाहिर है जब मां के पास बेटी पहुंच जाती है मुसीबतें उठा के, तो सारी शिकायतें मां से करती। मालूम नहीं क्या क्या कहा, क्या क्या कहा। ये जरूर कहा होगा कि अम्मा तेरी बेटी दरबार फिर के आई, तेरी बेटी दरबारों में जाके आई, तेरी बेटी बाजारों में जाके आई। और हाँ अम्मा, मरते दम जो आपने वसीयत की थी ना हुसैन का कुर्ता साथ लाने को, ये कुर्ता लाई हूँ फातिमा जहरा के दो हाथ कब्र से।